क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। भारतीय जनता पार्टी के गांव की ओर अधिक फोकस करने के अभियान में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। लखनऊ के इंदिरा नगर गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री और राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के साथ दो दिवसीय ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएम योगी बनाएंगे गांव को स्मार्ट। गांव में होगा हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई का उपयोग। ग्रामीण ई लाइब्रेरी का प्रयोग कर बढ़ाएंगे अपनी आय का साधन। उत्तर प्रदेश की बढ़ती जाएगी जीडीपी। भारतीय जनता पार्टी के गांव की ओर अधिक फोकस करने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी बड़ी भूमिका में है, जिसको लेकर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के साथ दो दिवसीय ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश शासन ने भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्ष के अंदर $1 trillion की इकोनॉमी के रूप में बदलने की अपनी एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये सार्थक होगा तब जब हमारी ग्राम पंचायतें स्वयं आत्मनिर्भर होंगी। मैं बार बार कहता हूं कि ये संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में है, पूरे देश के अंदर हर ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की संभावनाएं मौजूद हैं, जिस संबंध में अभी हमारे दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने बहुत सहज और सरलता के साथ अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में इन बातों का उल्लेख भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे गांव भी अब हाई स्पीड इंटरनेट व वाईफाई का उपयोग बढ़ाकर स्मार्ट बनेंगे। ग्राम पंचायतें और गांव के लोगों को जोड़ करके से हम 85-90% करेंगे तो यूपी की जीडीपी में इसके कारण ही लगभग 7-8% की बढ़ोतरी स्वतः स्फूर्त भाव के साथ केवल हम तकनीक का उपयोग करते हुए हाई स्पीड इंटरनेट की सेवाओं का विस्तार और ग्राम पंचायतें उसका उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे तो जीडीपी में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और उत्तर प्रदेश आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है जो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। गांव के लोग भी अब ग्रामीण ई शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई कॉमर्स के साथ ई लाइब्रेरी का भरपूर उपयोग करें। अधिक जानकारी होने पर अब ग्राम समाज की भूमिका बंदर बाट करने की जगह उसे आय का साधन बनाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से प्रयास करने की जरूरत है। हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसी गति से प्रदेश की जीडीपी बढ़ती जाएगी। कार्यक्रम में केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि स्मार्ट गांव बनाने के लिए ग्राम प्रधान कर्मयोगी बने। विकास कार्य जन भागीदारी के जरिए कराएं, अब धन के लिए सरकार की ओर ना देखें, बल्कि आगे आकर स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर कार्य कराएं। कार्यक्रम को पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पंचायती राज सचिव सुनील कुमार व कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह आदि भी मौजूद थे। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।